रत्नों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल में। अगर इस नए चैनल को आपने मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ जेम्स स्टोन पर आधारित चैनल है। जेम्स स्टोन से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं पुखराज रत्न यानी कि येलो सफायर। सबसे ज्यादा पावरफुल जो रत्न है, अगर हम बात करें भाई सबसे ज्यादा पावरफुल रत्न कौन सा है, सबसे ज्यादा बेस्ट रत्न कौन सा है, तो पुखराज रत्न की बात आती है। क्योंकि गुरुदेव जो बृहस्पति देव हैं उनके पास कुंडली में 5 कारक तत्व है। यानी कि अगर विवाह की बात करें तो गुरुदेव को देखा जाता है, व्यापार की बात करें तो गुरुदेव को देखा जाता है, लाइफ में यानी कि कैरियर सेटलमेंट की बात की जाए तो गुरु को देखा जाता है, भाग्य के लिए गुरु को देखा जाता है, धन के लिए गुरु को देखा जाता है, ज्ञान के लिए गुरु को देखा जाता है। तो इनके पास ज्योतिष विज्ञान की बात करें तो 12 जो कुंडली के अंदर बॉक्सेस है, 12 जो घर है उसमें से 5 कारक तत्व मेन डिपार्टमेंट जो है उनके मेन मालिक जो है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि बृहस्पति देव है यानी गुरु, और उनका रत्न है पुखराज। लेकिन बिना कुंडली विश्लेषण के कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी बृहस्पति देव भी कुंडली में नेगेटिव होते हैं और उनका रत्न पहनने पर वो और अधिक पावरफुल हो जाते हैं। क्योंकि रत्न का एक ही काम है, बॉडी में उस ग्रह की रश्मियों को ज्यादा तीव्रता से पहुंचाना और उस ग्रह की पावर को बढ़ा देना। और अगर वो नेगेटिव है तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा ग्रह, अगर पॉजिटिव है तो और ज्यादा पॉजिटिव होगा और हमें अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन कुंडली विश्लेषण के बिना कोई भी रत्न ना धारण करें, क्योंकि उससे ही हमें परफेक्ट कंडीशन पता चलती है कि ये रत्न वास्तव में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव। तो आज हम बात करेंगे पुखराज रत्न। ये सभी पुखराज रत्न है। इसमें कुछ रत्न ऐसे भी हैं जो सिंथेटिक हैं, कृत्रिम रूप से यानी कि कांच को गलाकर या कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं। तो कैसे हम परीक्षण करें, कैसे चेक करें बिना इंस्ट्रूमेंट के? वैसे तो लैब रिपोर्ट के साथ अगर आप रत्न ले रहे हैं, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट के साथ रत्न ले रहे हैं तो उसमें परफेक्ट ग्रेविटी मेंशन होती है, रिफ्लेक्शन रेशियो मेंशन होता है, नेचुरल है या नहीं है, कुदरती पत्थर है या नहीं है, यानी कि पृथ्वी से निकला हुआ पत्थर है या नहीं, वो लिखा होता है नेचुरल येलो सफायर यानी कि कुदरती पुखराज, जैसे लिखा होगा लैब रिपोर्ट के अंदर। लैब टेस्टिंग रिपोर्ट में तो सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन आंखों से देखकर हम किसी रत्न की पहचान कैसे करें कि ये ओरिजिनल है या नहीं, उसके बारे में कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप नॉर्मली अगर कोई रत्न आपके हाथ में आएगा तो आप उसको बता देंगे देखकर कि ये रत्न भाई ओरिजिनल है, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो हम इन रत्नों में से कुछ सिंथेटिक रत्न भी मिक्स हैं कुछ और 100% कुछ नेचुरल भी हैं। तो हम ये बात करेंगे इन रत्नों में से कि कौन से सिंथेटिक हैं, कौन से नेचुरल हैं, उनकी पहचान कैसे करें। तो इन मिक्स रत्नों में सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि कोई भी जब कुदरती रत्न होगा तो उसमें कुदरती इफेक्ट होंगे। नेचुरल जो पत्थर के अंदर रेशे होते हैं, अंदर एक बादल जैसी संरचना या फिर नेचुरल लाइनें या ऐसे कुदरती इफेक्ट्स होंगे उस रत्न में आपको साफ दिखेंगे। अब इसमें से अगर मैं बात करूं सिंथेटिक की, तो देखिए सिंथेटिक रत्न कुछ मैं साइड में कर रहा हूं, आप एक मिनट में समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ये सिंथेटिक ही है। ये देखिए ये सब सिंथेटिक रत्न है, ये मैं अलग कर रहा हूं, ये जितने भी रत्न मैंने यहां पर करे ये सिंथेटिक है। क्योंकि आप इनको गौर से देखिए, कोई अंदर संरचना नहीं है, दिखने में तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, मतलब आंखों को एकदम देखते ही भा जाए वो चीज है, लेकिन ये कृत्रिम रत्न है, नेचुरल नहीं है। ये रत्न देखिए आप, आपको दिख जाएगा अंदर कोई ऐसी संरचना नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कह सकते हैं आप वो चीज है। ये रत्न देखिए क्रिस्टल क्लियर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेचुरल रत्न में आपको नेचुरल इफेक्ट मिलेंगे। अब बात करें इस रत्न की, तो गौर से देखिए इस रत्न के अंदर आपको एक अलग सी संरचना आएगी, ऐसे व्हाइट कुछ हल्के से साइड में स्पॉट्स नजर आएंगे। या फिर दूसरा किसी रत्न को आप देखें तो उसमें देखिए आपको लाइनिंग्स दिख रही है, यहां पर बारीक 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 आपको लाइनिंग्स दिखेगी। जैसे आप थोड़ा रोशनी में देखेंगे तो आपको ये चीज साफ नजर आ जाएगी इसके अंदर। और दूसरा कोई रत्न आप देखिए, इसमें भी आपको वही इफेक्ट्स दिखेंगे। ये देखिए अंदर की तरफ आपको अलग ही संरचना नजर आएगी, एक अलग जाल सा नजर आएगा। और इसके साथ साथ में इनमें शेडेड भी अलग अलग आते हैं। देखिए इसका शेड थोड़ा सा अलग है, इसका थोड़ा सा लाइट है, इसका और लाइट है, इसकी बात करें तो बिल्कुल ही लाइट है। तो अलग अलग शेड के ये रत्न आते हैं, मतलब येलो शेड तो होगा ही इसके अंदर, लेकिन उसमें भी येलो शेड में भी कुछ अलग अलग तरह के आपको शेड नजर आएंगे। ये सभी कुदरती नेचुरल येलो सफायर है, ये 100% नेचुरल
है और ये सिंथेटिक है। अब आप नॉर्मली मशीन से भी टेस्ट कर सकते हैं कि ये सिंथेटिक है या नेचुरल है। तो देखिए दो एक जैसी साइज के मैं रत्न यहां पर ले लेता हूं, आप देखेंगे आपको पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये दोनों रत्न एक जैसी साइज के हैं, इनमें कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। अब अगर मैं कैरेट में कैलकुलेशन करूं, वेट मशीन के अंदर कैलकुलेशन करूं, तो देखिए सिंथेटिक रत्न ये मैंने रखा है यहां पर, इसका वेट आ रहा है 4.70, यानी कि ये लगभग बात करें तो 5 कैरेट के आसपास का रत्न है। यहीं पर इसी साइज का अगर मैं रत्न यहां पर रखूंगा, ये इसी साइज का मिलता जुलता ही रत्न है, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है इसमें। अब इसको मैं यहां रखता हूं तो इसका वेट आता 9.25, यानी कि जस्ट लगभग डबल के आसपास इसका वेट हो गया। और उठाते हैं हम हाथ में तो ये देखिए बहुत लाइट लगता है, इसको उठाते हैं तो बहुत हैवी लगता है ये मतलब हल्का सा हाथ में लेते ही हमको आइडिया लग जाता है कि ये नेचुरल है या नहीं। तो इस तरह से हम किसी भी रत्न को देख सकते हैं, नॉर्मली उसके अंदर के फिगर्स, उसमें जो अंदर जाल बन रहा है उसको देख के पता कर सकते हैं। और किसी भी रत्न को उठाएंगे तो हमें उसको उसमें आपको कुदरती इफेक्ट्स कुछ ना कुछ तो ऐसे नजर आएंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो रत्न है ये पृथ्वी से निकला हुआ है, अंदर जमीन से निकला हुआ पत्थर है। लैब रिपोर्ट के साथ अगर आप रत्न ले रहे हैं तो फिर सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि लैब रिपोर्ट में तो साफ ये चीज मेंशन होती है कि ये नेचुरल रत्न है, कुदरती रत्न है। और अगर कुदरती नेचुरल रत्न आप पहनेंगे, क्योंकि देखिए आप इस चीज को समझिए, किसी रत्न की ग्रेविटी कंफर्म हो गई, किसी रत्न का रिफ्लेक्शन रेशियो कंफर्म हो गया, किसी रत्न का कलर हमें दिख ही रहा है, तो अब हमें अगर बृहस्पति देव से रिलेटेड रश्मियां चाहिए तो येलो कलर चाहिए, उसकी ग्रेविटी परफेक्ट है, यानी उसकी संगठन संरचना परफेक्ट है, तो वो उतनी परफेक्ट कंडीशन के अंदर उस रश्मियों को खींचने का काम करेगा। और अगर रिफ्लेक्शन रेशियो कंफर्म है तो वैसे ही वो जो येलो कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, किसी जेम्स में हमने ये 2-3 चीजें देख ली, लैब रिपोर्ट में ये चीज लिखी है, तो वो तो हमें 100% रिजल्ट देगा ही पॉजिटिव, लेकिन फिर भी हमारे पास अगर लैब रिपोर्ट नहीं है तो इन कुछ बातों के आधार पर आप किसी भी रत्न को चेक कर सकते हैं खुद ही और पता कर सकते हैं कि ये नेचुरल है या नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी रत्न का परीक्षण कर सकते हैं और इसके बाद आप उस रत्न को धारण करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुंडली विश्लेषण के बिना किसी रत्न को धारण ना करें, क्योंकि कौन सा ग्रह किस कंडीशन में है, चलित कुंडली में कहां जा रहा है, किस घर के किस भाव के रिजल्ट दे रहा है, उसके बाद ही वो रत्न धारण करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये वीडियो एक बहुत मतलब छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है नॉर्मली पुखराज टेस्ट करने के लिए, और ये मेरा नया चैनल है सिर्फ और सिर्फ जेम्सस्टोन पर। पूरे वर्ल्ड से कहां कहां से जेम्सस्टोन की रफे आती है, यानी कि उनकी नेचुरल टुकड़ियां आती है, कौन कौन से रफ स्टोन जो है, जिनसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या प्रोसेस रहता है, जैसे मूंगा है वो अलग प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है, पुखराज अलग तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, पन्ने की मैन्युफैक्चरिंग अलग तरीके से होती है, वो सब वीडियो A to Z वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलेगी। और आप मतलब रत्न के मामले में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ये समझ लीजिए एक जेमोलॉजिस्ट बन जाएंगे आप। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो इस नए चैनल को मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिएगा, और अगर शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं तो इसे शेयर कीजिए, जिससे उनको भी सही रत्न की पहचान हो सके। कुदवाल जेम्स लैब जो है उसका मेन मकसद यही है कि सही रत्न, बिल्कुल परफेक्ट क्वालिटी का रत्न सही लोगों तक पहुंचे, बिल्कुल परफेक्ट और रीजनेबल रेट में, जिससे उनको सही चीज सही मूल्य में मिल पाए, साथ साथ के अंदर नेचुरल चीज मिल पाए लैब रिपोर्ट के साथ। मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ओके, थैंक यू।